दोस्तों, दुनिया में कई देश हैं और हर देश में कुछ न कुछ अलग और अनोखा देखने को मिलता है और हर देश कुछ अनोखा करने की सोचता है जिससे उनके देश का नाम दूसरे देशों में भी लिया जा सके। भारत को बहुत सारे आविष्कारों में मान्यता दी गई है जो आज मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो या जीरो नंबर हो। नंबर एक, पानी में तैरता पोस्ट ऑफिस। भारत के पास 155,015 पोस्ट ऑफिस बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और इन्हीं में श्रीनगर कश्मीर में दल लेक उसमें स्थित ये पोस्ट ऑफिस ऐसा भी है जो पानी में तैरता रहता है। 22 अगस्त 2011 को इसका उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला द्वारा किया गया था। झील पर आने वाले पर्यटकों को यह अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। यह हर रोज 10 से 6 बजे तक खुला रहता है। यह दुनिया की एक ही पोस्ट ऑफिस है जो बेहद खूबसूरत झील के अंदर बनाया गया है। हर साल 7,000 से ज्यादा अधिक लोग पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं और यहाँ बहुत मजबूत भी है ये। जब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 1 को अपनी यात्रा पर उतारा था और वो सितंबर 2008 को इसरो ने चांद पर पहली बार पानी की खोज की। दोस्तों, शतरंज का इतिहास लगभग 1500 वर्षों से है। इतिहासकारों का मानना है कि शतरंज की 7वीं शताब्दी से लेकर भारत के उन्नत और भारत में ये खेल फारस में फैल गया। जब अरबों ने फारस पर विजय प्राप्त की तो शतरंज मुस्लिम दुनिया में ले गया। बाद में ये दक्षिणी यूरोप में फैल गया। शतरंज के अलावा सांप सीढ़ी, जिसे पहले मॉकशेप कहते थे, शतरंज के अलावा एक और गेम्स है जिसे सांप सीढ़ी के नाम से जानते हैं। 13वीं शताब्दी में संत ज्ञान देव द्वारा आविष्कार किया गया था। ये खेल छोटे बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसको सबसे पहले बच्चों को मौखिक शिक्षा में बढ़ने और घटने के क्रम में दर्शाने के लिए दिया गया था। बाद में ये दुनिया का सबसे पसंदीदा बोर्ड गेम बन गया। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहां पे है? दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश में चैल पर स्थित है। चैल क्रिकेट ग्राउंड 1893 में पटियाला के भूपेंद्र सिंह महाराजा द्वारा बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 2444 मीटर है।